प्रियंका जी ग्वालियर आ रही हैं, आपका स्वागत है। पर इतना तो बताओ कि आपने पिछली बार ग्वालियर की जनता में की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? जनता से सरोकार रखने वाले आदरणीय सिंधिया जी के नाम पर वोट लिए और कारोबार से सरोकार रखने वाले कमलनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ग्वालियर की जनता से कायदे से आप आ रही हैं तो आपको माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जिन्होंने बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। आपके बगल में जो बैठे होंगे ना आज मंच शेयर करेंगे, कपटनाथ और छलसीम राजा, उनसे पूछो कि कार्यकर्ता के साथ में ऐसा क्यों किया। इन 15 महीने में प्रदेश को 15 साल पीछे आपने पहुंचा दिया। आप लक्ष्मीबाई की समाधि पर जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे पर भी जाना चाहिए किले पर, और 84 में हुए नरसंहार के लिए वहां पर जाके सिखों से माफी मांगना चाहिए। कमलनाथ जी जो आपके पास बैठे हैं ये उसमें दोषी हैं, आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और आपको बताना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का किया कि 84 के दंगों की आज तक माफी नहीं मांगी गई है। ये दोनों लोग जो आपके अगल बगल में बैठे हैं, मंच पे हैं या एक है नहीं, ये बताएं कि इन्होंने आपके भाई राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ का झूठ क्यों बुलवाया उनसे, और एक का भी कर्जा माफ नहीं किया? क्या आप प्रदेश के किसानों से माफी मांगेंगे? आपको बताना चाहिए। आप बहुत आदिवासियों के हितों की बात करती है, पिछड़ों के हितों की बात करती है। ये कांग्रेस के लोग जिनसे मंच भरी हुई है, मध्य प्रदेश गवाह है इस बात का कि जमुना देवी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इनने सुभान सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इनने दलवीर सिंह जी के साथ और आज उमंग सिंगार के साथ भी यही व्यवहार कर रहे हैं, ये पिछड़ों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। आप बताओ कि आपके दादी के समय में जो कमलनाथ जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो अमेरिका को परमाणु की जानकारी दी थी, परमाणु परीक्षण की, क्या वो देश के साथ गद्दारी नहीं थी? जातियों के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी, किसान के साथ गद्दारी, नौजवान के साथ गद्दारी, आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि ये परमाणु की जानकारी लीक की गई? आप बताओ, आपके पड़ोसी राज्य है हमारे कांग्रेस के शासित है, आप उनके बारे में बोलती नहीं? कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर हमारी आदिवासी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, आप कहती हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं लड़ी आप वहां जाके? जैन मुनि संत की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में 36 टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तो मौन रहता है, क्या इन सब विषयों पे ग्वालियर में आके आप माफी मांगेंगे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।